पूर्णिया शहर बिहार में है और राज्य की राजधानी पटना से महज 300 किलोमीटर दूर है। शहरी और ग्रामीण आबादी के मामले में पूर्णिया शहर बिहार का चौथा सबसे बड़ा शहर है। कृषि इस जिले के निवासियों की मुख्य आजीविका है। ये अलग बात है कि हाल के वर्षों में यहाँ की महिलाओं ने रेशम का उत्पादन शुरू कर इस इलाके को एक नई पहचान दिलाने की कोशिश की है। पिछले दिनों सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक बार फिर से बिहार का पूर्णिया जिला सुर्खियों में रहा है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत का जन्म इसी पूर्णिया में हुआ था। पूर्णिया के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद के कई वर्ष की अनकथक मेहनत के बाद ये मान्यता दी गई कि पूर्णिया जिले की स्थापना 14 फरवरी 1770 को हुई थी। पूर्णिया जिले की विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तब के पूर्णिया जिले में आज के पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले शामिल थे। इसके अलावा बंगाल में दार्जिलिंग तक का इलाका भी इस जिले का हिस्सा था। हम सब जानते हैं कि लोक रचनाकार के रूप में ख्याति और हिंदी फिल्म को हीरावन जैसा चरित्र देने वाले फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास औड़ाही हिंगना गांव में हुआ था। खास बात यह है कि अब का ये अररिया जिला रेणु के जन्म के समय पूर्णिया जिले का हिस्सा था। इतिहास बताता है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवन में 3 बार पूर्णिया की यात्रा की। 1925, 1927 और 1934 में वे पूर्णिया आए थे। पूर्णिया जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर रानीपत्रा में ऐतिहासिक सर्वोदय आश्रम है। कहते हैं कि आजादी से पूर्व महात्मा गांधी भी इस जगह पर आए थे। इसके बाद विनोबा भावे ने सर्वोदय आश्रम में कई महीनों तक रहकर भूदान आंदोलन का संचालन किया था। पूर्णिया के बारे में ये जानना बहुत रोचक है कि एक तरफ तो इसे बिहार का मिनी दार्जिलिंग कहा जाता है, दूसरी तरफ कभी ये काला पानी के रूप में कुख्यात था। दरअसल पूर्णिया का भूगोल बहुत ही अनोखा रहा है। ये 3 नदियों के त्रिकोण से घिरा हुआ है। सिर पर हिमालय पर्वत है। नदियों और हिमालय की वजह से यहाँ का मौसम हमेशा खुशनुमा बना रहता है। यहाँ पर मई जून में ज्यादा गर्मी नहीं होती। अगर 1-2 दिन तेज गर्मी रही भी तो फिर बारिश हो जाती है। यहाँ गर्मी के महीने में भी हवा तेज चलती है और उसमें काफी नमी भी होती है। कह सकते हैं कि यहाँ का मौसम दार्जिलिंग से मिलता जुलता और यही वजह है कि पूर्णिया को बिहार का मिनी दार्जिलिंग कहा जाता है। कृषि पूर्णिया के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। इस क्षेत्र में उगाए जाने वाले फसल धान, जूट, गेहूं, मक्का, मूंग, मसूर, सरसों का अलसी, चीनी, गन्ना और आलू है। पूर्णिया जिले की जूट प्रमुख नकदी फसल है। नारियल, केला, आम, अमरूद, नींबू, जैक फलों, अनानास और केले जैसे फल यहाँ उगाए जाते हैं। बनमनखी की चीनी मिल और 716 अन्य लघु उद्योग पूर्णिया के लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। पूर्णिया जिले को सड़क और रेल सेवाओं का उपयोग करके पहुंचाया जा सकता है। जिले का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन कटिहार है और पूर्णिया भी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 से भारत के विभिन्न राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। पूर्णिया भी माता पुराणा देवी के प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो मुख्य शहर से शायद ही 5 किलोमीटर दूर है। पूर्णिया में गुलाब बाग में एक बड़ा अनास भंडार है और ये एशिया का सबसे बड़ा मक्का व्यापार केंद्र है। यह स्थान और साथ ही मध्य और पूर्वी बिहार, बंगाल, नेपाल और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की अनाज आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भट्टा बाजार और लाइन बाजार शहर के सबसे व्यस्त हिस्से हैं, जहां पूर्व में सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के लिए एक प्रमुख केंद्र है, जबकि बाद वाला शहर और उसके आसपास के लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की रीढ़ है। लाइन बाजार लगभग हर विशेषज्ञताओं के डॉक्टरों के साथ चिकित्सा बिरादरी का एक प्रमुख केंद्र है। सीमांचल के क्षेत्र में इसके कुछ बेहतरीन नर्सिंग होम और अस्पताल हैं। इस क्षेत्र के मरीज बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की तलाश में शहर के इस हिस्से में आते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की लोकप्रिय कहानी मारे गए गुलफाम, जिसे 1967 में बसु भट्टाचार्य द्वारा एक फिल्म तीसरी कसम में रूपांतरित किया गया था, जिसे पूर्णिया में शूट किया गया था, जिसमें पुराने पूर्णिया को चित्रित किया गया है, विशेष रूप से गुलाब बाग मेला। पूर्णिया के जनता चौक के पास स्थित ध्रुव उद्यान पार्क लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पार्क प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। यहाँ शहर के ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग पार्क का आनंद लेने आते हैं। पार्क के अंदर खूबसूरत फूल के बगीचे और चिड़ियों के चहचहाट पार्क की खूबसूरती को और निखार देता है। पार्क में सैर करने के अलावा खेलकूद का भी इंतजाम। पार्क के अंदर आप प्राकृतिक सुंदरता के आनंद लेने का अलावा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसके लिए सभी तरह के उपकरण लगाए गए हैं, यहाँ तक कि यहाँ सुबह योगाभ्यास भी कर सकते हैं।
बच्चों के लिए अलग से पार्क बनाया गया है जहां बच्चे खेलते कूदते आनंद लेते हैं। तो ऐसे ही इतिहास जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीडी न्यूज़, बिहार।